कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डोमेस्टिक में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं नंबर वन ओवर बोर्ड, नंबर दो हमारे पास रिले, नंबर तीन थर्मोस्टेट। आज हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं दो टॉपिक्स पर, नंबर वन ओवर लोड। ओवरलोड क्या चीज है, ओवरलोड क्या काम करता है, क्या बताते हैं। फिर जल्दी चलना, ये डिवाइस है जो मोटर की सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। सेफ्टी क्या होती है कि अगर कोई मोटर अपने मतलूबा अंपेयर से ज़्यादा करंट ले तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसको जलने से बचाएगा। क्या डेफिनेशन है, ओवरलोड एक सेफ्टी डिवाइस है, एक प्रोटेक्टर है, मोटर की हिफाजत के लिए लगाया जाता है। अगर कोई मोटर अपने मतलूबा अंपेयर से ज़्यादा अंपेयर लेगी तो ऐसी सूरत में ये प्रोटेक्ट करेगा, उसकी हिफाजत करेगा और मोटर को जलने से बचाएगा। फिर सर कल कौन सा प्रैक्टिकल हुआ था आपका, यही था क्योंकि मैं कंप्यूटर में था, ये सच बोले वो बोले। समझ आ गई, ओवरलोड क्या करता है, करंट की ज्यादती को कंट्रोल करता है। अब करंट की ज्यादती कैसे हो सकती है, हाँ फिर कोई प्रोफेसर बता दे, प्रोफेसर तो बता नहीं सकता, शायद कोई मकैनिक निकल है जी। करंट की ज्यादती कैसे हो सकती है, नंबर वन वोल्टेज की कमी, वोल्टेज कम हो गए हैं, मोटर को पूरे वोल्ट नहीं मिले, जिसकी वजह से क्या होगा, ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, आपका रोटर गर्दिश नहीं करेगा, मोटर अम्पेयर ज़्यादा लेगी। जब अम्पेयर ज़्यादा लेगी तो यहाँ पर सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्टर ओवरलोड क्या करेगा, सिस्टम को बंद कर देगा। इस समय को क्या कहते हैं, ट्रिप होना कहते हैं, सिस्टम ट्रिप हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, वोल्टेज की कमी, वोल्टेज की ज़्यादती, अगर ओवर वोल्टेज हो गई है तो ऐसी सूरत के अंदर फिर ये होगा, मोटर पे लोड आएगा, मोटर हीटअप होगी, अम्पेयर ज़्यादा लेगी, जब अम्पेयर ज़्यादा लेगी तो वह लोड जो है सिस्टम को कट ऑफ कर देगा। मोटर का क्रॉस होना, क्रॉस से क्या मुराद है, अक्सर वेंडर के पास जाते कहते हैं मोटर क्रॉस है, आपको ये कहते हैं क्रॉस है। अब क्रॉस क्या होता है, मोटर के अंदर बेसिकली दो वाइंडिंग होती हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग की तार मोटी होती है और रनिंग वाइंडिंग की तार, रनिंग वाइंडिंग की तार मोटी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार बारीक होती है। इसके ऊपर क्या होता है, एनामल होता है, पेंट क्या होता है, रंग होता है, क्या होता है, कुछ स्पार्क होता है या किसी वजह से इसके ऊपर एनामल उतर जाता है, उतर जाता है, तो ये दोनों जो है वाइंडिंग आपस में मिल जाती है। जब वाइंडिंग आपस में मिल जाएंगे तो ऐसी सूरत के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्कट से अलग नहीं होगी। मोटर के अंदर दो वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग है। इनकी बेसिकली पहचान क्या होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार बारीक होती है और रनिंग वाइंडिंग की तार मोटी होती है, इसकी बेसिकली पहचान ये होती है। अब क्या होता है, ये सेट एक दूसरे के ऊपर होते हैं, रनिंग वाइंडिंग नीचे ऊपर, स्टार्टिंग वाइंडिंग, किसी भी वजह से क्या होता है, स्पार्क होता है, ये पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। जब आपस में मिल जाएंगे तो इस अमल को क्या कहते हैं, क्रॉस हो जाना, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग का आपस में मिल जाना, ये क्रॉस हो जाएगा। अब जब स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्कट से अलग नहीं होगी तो मोटर के जो एम्पीयर हैं 3 से 6 गुना ज़्यादा होंगे, यानी एक आपका कंप्रेसर चल रहा है एक अम्पेयर पर, एक फ्रिज नॉर्मल एक अम्पेयर में करंट ले रहा है, एक अम्पेयर में चल रहा है, ऐसा मसला हुआ कि उसने स्टार्ट मोटर क्रॉस हुई तो उसने अपने एम्पेयर को 3 से 6 गुना बढ़ा दिया, एक कंप्रेसर 6 एम्पेयर पे आ गया या एक कंप्रेसर 5 एम्पेयर पे आ गया, तो एम्पेयर उसने अपने बढ़ाए हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, ओवरलोड सेफ्टी डिवाइस है, यह प्रोटेक्ट करेगा मोटर को, कंप्रेसर को बंद कर देगा। क्यों, अगर इस कंप्रेसर के अंदर से 5 एम्पीयर स्क्वायर में से 5 एम्पीयर करंट गुजरता रहे, बंद ना हो, तो एक सूरत यह है कि वायरिंग को आग लग जाए, दूसरा रास्ता यह है कि आपके मोटर स्पार्क कर देंगे, स्पार्क तो पहले हो चुकी है, मुकम्मल जल जाएगी और वायरिंग को आग लगने का चांस होता है, क्योंकि एम्पेयर बहुत ज़्यादा है, तार हल्की हो जितना लोड नहीं ले सकती। तो इस वजह से क्या किया जाता है, ओवरलोड यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, मोटर की हिफाजत करेगा। कंप्रेसर का जाम हो जाना, कंप्रेसर स्टक हो गया, अंदर पंप जाम हो गया,
मोटर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, लेकिन क्या है, रूटर नहीं घूम रहा, जिसकी वजह से मोटर अंपेयर ज़्यादा लेगी, जब अंपेयर ज़्यादा लेगी ओवरलोड ट्रिप कर देगा। कई एक रीज़न अपने जहन में सोचना है, जब कोई मोटर अपने मतलूबा अंपेयर से ज़्यादा करंट लेगी तो ऐसी सूरत के अंदर ओवरलोड प्रोटेक्ट करेगा, मोटर की हिफाजत करेगा और उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है और ट्रिप कैसे होता है, आन कैसे होता है, अब उसकी तरफ हम आते हैं। अब आपने अपने जहन में वजूहात बयान करनी है कि कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से मोटर के अंपेयर बढ़ सकते हैं। जब आपकी वोल्टेज डाउन हो जाए अंपेयर बढ़ेंगे, वोल्टेज अप हो जाए अंपेयर बढ़ेंगे, मोटर क्रॉस हो जाए अंपेयर बढ़ेंगे, मोटर शॉर्ट हो जाए अंपेयर बढ़ेंगे, कंप्रेसर जाम हो गया अंपेयर बढ़ेंगे, मोटर लेक्चर सारा खत्म हो जाएगा चलाएंगे तो ऐसे ही सूरत के अंदर अगर गैस ओवर चार्ज होगी है तो कंप्रेसर में लोड आ गया, फिर भी अंपेयर मोटर कंप्रेसर अंपेयर ज़्यादा लेगा और ओवरलोड से ट्रिप करेगा। अब ओवरलोड के अंदर वर्किंग पोजीशन क्या होती है और इसको चेक करने का क्या तरीक़ेकार है और इसे लेते कैसे हैं। ओवरलोड बेसिकली डोमेस्टिक में बात कर रहा हूँ, कमर्शियल में नहीं जा रहा, कमर्शियल में बाद में जाऊँगा। ओवरलोड बेसिकली एक गोल डब्बे पर मुश्तमिल होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक गोल डब्बे पर होता है, इसके अंदर एक धाती पतरी होती है, धाती पतरी कहते हैं बाई मेटल स्ट्रिप, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस वायर होती है जिसे आम सुबह में हीटर वायर भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये पॉइंट आम हालत में मिले होते हैं, सर्किट मुकम्मल है। अब जब यहाँ से करंट मेन यहाँ से करंट आएगा, करंट यहाँ से पास होकर कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल में चला जाएगा। अगर कोई मोटर अपने मतलूबा अंपेयर से ज़्यादा करंट लेती है तो इस ओवरलोड के अंदर ये क्वालिटी है, अच्छी तरह समझें, क्योंकि एक इंजीनियर एक मैकेनिक में यही फ़र्क होता है, उसे उसकी पोजीशन का पता होता है, ये वर्क कैसे करता है, आम मैकेनिक ये पता नहीं, बस इसे ये पता होता है ओवरलोड है, किस वजह से ट्रिप करता है, क्या क्या वजूहत है, क्या कोई सर पैर उसको नहीं पता होता बेचारे को, क्योंकि उस्ताद के पास इतना नॉलेज होता है, दूसरा उस्ताद आगे बताते कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें काम से गलत होते हैं, उन्हें अपना काम निकलवाना होता है, उन्हें ये नहीं कि लेक्चर देना शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें। अब 10 साल भी दुकान पर लगाएँ, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं 10-10 साल दुकानों पर काम करके, जब हमारे पास आते हैं किसी चीज़ का हम डेफिनेशन पूछ लेते हैं, सिर्फ इतना पूछ लेते हैं एसी को किस चीज़ में लेते हैं, एसी हम कैसे खरीदते हैं, नहीं जवाब दे सकते, क्या वैल्यू है, किस वैल्यू से हम लेते हैं, नहीं बता सकता। हमारे एक महीने का स्टूडेंट है, एक हफ्ते का, 10 दिन का स्टूडेंट्स, अगर सही स्टूडेंट्स है जिसकी पिकिंग पावर अच्छी है वो बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें 10-15 दिन के अंदर आ चुकी होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, अगर एक कंप्रेसर अपने मतलूबा अंपेयर से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट ले तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये 3 से 6 सेकेंड तक अगर इसे एक से तीन सेकंड तक अगर इसमें से तीन से छः गुना ज़्यादा करंट गुजरे तो ये करंट को पास होने देती है। अगर टाइम 1 से 3 सेकंड से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे सूरत के अंदर इसकी रेजिस्टेंस वायर बहुत सख्त गर्म हो जाती है, इसकी गर्मी की वजह से, इसकी हीट की वजह से ये धाती पतरी टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी होकर सर्किट को ना अनकम्प्लीट कर देती है और आगे करंट जाना बंद हो जाता है और सिस्टम आपका ट्रिप होता है। इस ओवरलोड क्या करता है, कैसे वर्क करता है, इसके अंदर ये क्वालिटी है, अगर कोई कंप्रेसर 1 से 3 सेकंड अपने मतलूबा अंपेयर से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट ले तो ये उसको पास होने देती है, अगर इससे ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो ये बहुत सख्त गर्म हो जाती है, एलिमेंट जल जाता है पूरा, तो इसकी गर्मी की वजह से क्या होगा, ये धाती पतरी टेढ़ी हो जाएगी और सर्किट को अनकम्प्लीट कर देगी, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इस अमल को क्या कहते हैं, ट्रिप हो जाना, यूनिट बंद हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद 1-2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कुछ कंप्रेसरों के ओवरलोड जो हैं वो आधा घंटा ऑन नहीं होते, कुछ के 3-4 मिनट के अंदर ऑन हो जाते हैं, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, भाई मेटल स्ट्रिप ये धाती पतरी ठंडी होकर दोबारा से पॉइंट को मिला देगी,
पॉइंट को मिलाए के फिर यहाँ से करंट पास होकर आकर कंप्रेसर को मिलेगा। अगर कंप्रेसर ने फिर नॉर्मल करंट लिए तो करंट जाता रहेगा, अगर कंप्रेसर ने फिर प्रॉब्लम की अपने एम्पेयर को फिर बढ़ाया फिर वही अम्बल दोबारा होगा। इस तरह ये बार बार बिजली आपके डिम होगी सही होगी, डिम होगी सही होगी। अगर घर के लोगों को पता चल गया तो फ्रिज को बंद कर देंगे, अगर न पता चला तो रिजल्ट दो रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट ये है कि ओवरलोड जल जाए, ओवरलोड जल जाए तो बहुत बेहतर है क्योंकि 100 रुपये का ओवरलोड है। दूसरा रिजल्ट जो है बहुत डेंजरस है वो ये है कि मोटर क्रॉस हो जाएगी या मोटर शॉर्ट हो जाएगी। अब उसमें अगर नया कंप्रेसर ओपन था डलवाते तो 22,000 का खर्चा, अगर सेकेंड हैंड डलवाते तो 10-12,000 का खर्चा। अब क्या है घर के अंदर सेफ्टी डिवाइसेस अगर घर वाले को पता नहीं चल रहा या ब्रेकर नहीं लगा हुआ रास्ते के अंदर तो ऐसे सूरत के अंदर तो रिजल्ट यही आएगा कंप्रेसर चल रहे, क्योंकि आजकल ये LED लाइट्स वगैरह लगती हैं इस पार्क में, बल्ब होना वो डिम पता चल जाता है, ये डिम हो रही है बिजली तो घर पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर पता इसके अंदर पता नहीं चलता। तो बिजली नॉर्मल चलती रहती है तो पीछे कंप्रेसर या प्रॉब्लम करता रहता है, बार बार ट्रिप होता रहता है तो रिजल्ट ये आता है कि मोटर चल जाती है अगर ओवरलोड ना चले तो। नंबर एक चांस ये तो ओवरलोड चल जाता है, अगर ओवरलोड ना चले तो फिर कंप्रेसर चलता है। ओवरलोड के बारे में पता चल गया होगा ये प्रोटेक्टर है, मोटर की हिफाजत करता है। अगर कोई मोटर अपने मतलूबा एम्पेयर से किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है, किसी भी वजह से अपने एम्पेयर को बढ़ाता है ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा कि ये ओवरलोड सिस्टम को बंद कर देगा जिसकी वजह से यूनिट की जो मोटर है वो चलने से बच जाएगी। करंट की वजूहात क्या हैं? नंबर वन आपके पास क्या वजूहात है, वोल्टेज की कमी, वोल्टेज की ज़्यादती, उसके बाद मोटर का हीटअप हो जाना, मोटर का क्रॉस हो जाना, मोटर कंप्रेसर का जाम हो जाना, रिले का सही प्रॉपर वर्क ना करना, जो रिले इसको चलाती है उसके अंदर अगर इशू आएगा तो फिर भी इसने ट्रिप होना है। अगली वजूहत आज इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे, अभी ओवरलोड में चेक करा तो बहुत टाइम हमारे पास है। इस तरीके से ओवरलोड जो है मोटर की हिफाजत करता रहता है, इसे चलने से बचाता है। ओवरलोड दो किस्म के हैं, एक है इंटरनल ओवरलोड जो कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग के अंदर देती है कंपनी, एक होता है एक्सटर्नल ओवरलोड जो कंप्रेसर के पैर लगा हुआ होता है। जो इंटरनल ओवरलोड है वो डेनफॉस के कंप्रेसर में है, डेनफॉस के जर्मनी के कंपनी है जो डेनफॉस के कंप्रेसर तैयार करती है। अब तो नहीं आ रहा डेनफॉस, अब तो चाइना का डेनफॉस आ रहा है जो किसी काम का नहीं है। अब हम सेकेंड हैंड कंप्रेसर लगा रहे हैं डेनफॉस का धड़ाधड़, लेकिन नया कंप्रेसर नहीं लगा रहे, नए की क्वालिटी नहीं है। चाइना कितना महंगा कंप्रेसर है और उसकी क्वालिटी नहीं है, इस वजह से मैकेनिक डरता है खुदा ना खास्ता जल गया तो कहाँ से मैं पूरा करूँगा, नया कहाँ से डाल के दूँगा। इस वजह से वो कस्टमर को तरजीह देता है कि आप सेकेंड हैंड लगवाएं, क्योंकि आजकल कंप्रेसरों का ये भी पता नहीं अंदर सिल्वर की बॉन्डिंग है कॉपर बॉन्डिंग है ये भी कोई पता नहीं है। अब 15-16 हज़ार का एक फ्रिज का कंप्रेसर हो गया तो मैकेनिक किधर जाएगा, गैस चार्जिंग वो करके 20-30 हज़ार का नए कंप्रेसर बिल बनता है तो कस्टमर तो मत लग बिल फर्ज महीने बाद जल जाता है, कस्टमर फिर भी मैकेनिक की गिरबान पर आकर पड़ता है और उसे पता है कि एक सेकेंड की गारंटी नहीं है। दुकान से जब आप कंप्रेसर चलाते हैं मुश्किल से वो 2 सेकेंड चलाएंगे, ऐसे तार लगाएंगे हाँ चल गया वक्त गया, वो हमारे गले में पड़ गया, हमने लगाया उसे लगाया वो आधा घंटा चलाया आधे घंटे बाद जल गया तो हमारे कांटे में फिट। ये सबसे बड़ा अजाब होता है मैकेनिक के लिए कि ये जो इशू आजकल के दौर के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं इनकी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी है यानी कि चाइना की चीज़ की क्वालिटी नहीं है, मसला ये है कि हम डी ग्रेड का माल मंगवाते हैं, हम वो माल मंगाते हैं ये बिल्कुल ही किसी काम का नहीं होता। इस वजह से चाइना को हमने बदनाम किया, वरना चाइना ने तो पूरे यूरोप को वक्त में डाला हुआ है। उसके क्वालिटी आप मशीन के वस्ता जाएंगे वहाँ मशीनें जो उनकी आई हुई हैं चाइना की 10-10-20-20 साल की प्रॉब्लम ही नहीं है और उनकी ठीक ठाक क्वालिटी है, लेकिन पाकिस्तान के इम्पोर्टर साफ ज़ाहिर है थर्ड क्लास माल मंगाते हैं, जब थर्ड क्लास मंगाएंगे तो ये इशू आएगा। अब AC नया हम लेकर आते हैं 1-2 साल बाद वेपरेटर लीक हो जाते, पहले नहीं होते थे, पहले तो हमें वेपरेटर की लीक होने के 10-10 साल तक कंप्लेन नहीं थी, अब 1-2 साल के बाद मेरे पास नए AC ब्रांड AC पड़े हैं कंप्लेन है वेपरेटर लीक हो गए। क्या है क्वालिटी डल हो गई, क्वालिटी ख़त्म हो गई, कीमतें कहीं चली गई हैं क्वालिटी ख़त्म हो गई है। एक तो हमारी करेंसी भी वैल्यू हुई है, सबसे बड़ी बात है करेंसी हमारी ख़त्म हुई है जो होगी है चाइना के मुकाबले में, तो इस वजह से साफ ज़ाहिर है कि हमने पाकिस्तानी लोगों के जो इम्पोर्टर होते हैं वो पाकिस्तानी लोगों की इस्तेदाद भी देखते आए इनमें कितनी कैपेसिटी है चीज़ों को लेने की,
फिर उस हिसाब से वो माल मंगाते हैं जो डी ग्रेड में जाता है। ए बी ग्रेड भी मंगा सकते, ए बी ग्रेड मंगाएंगे तो किसी ने लेना ही नहीं। तो ये इसी वजह से इम्पोर्टर की अपनी परेशानी है, तो हम लोगों के अपने सरदर्दी है कि हम लोग कहते हैं चीज़ की क्वालिटी नहीं है। अब इंटरनल ओवरलोड में क्या क्वालिटी है, 10 फास्ट के अंदर क्या क्वालिटी है, हम सेकंड हैंड कंप्रेसर क्यों लगाते हैं, इस वजह से लगाते हैं अगर इंटरनल ओवरलोड किसी भी वजह से ट्रिप कर जाए तो वो आधा घंटा पौना घंटा आने नहीं होता, वो आने नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी इश्यू होते हैं, वोल्टेज की कमी का इश्यू है, वोल्टेज की जाति का मसला है, मोटर हीटअप का मसला है, वो मसला इतनी देर में हल हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता फिर भी वही मसला आ जाता है फिर वो ट्रिप हो जाएगा, फिर 15-20 मिनट आधा घंटा नहीं हल होगा, जिसकी वजह से मोटर चलने से बच जाती है। हम ज़्यादा जितने भी मकैनिक सारा डेंटफॉस मारते हैं उन्हें पता है कि ये इसकी कंप्लेन नहीं, टेंशन नहीं है, अब सेकेंड हैंड है, रिकंडीशन है, सारे मकैनिक आगे मैं आपको बताऊँगा रिकंडीशन कैसे लेना होता है। तो सारे मकैनिक ज़्यादा जो तरजीह देते हैं वो डेंटफॉस को देते हैं, डेंटफॉस में ओपन ओवरलोड नहीं है, इंटरनल है, जो ओपन ओवरलोड है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम मकैनिकों की वजह से अनाड़ी पन की वजह से हम कंप्रेसर का सत्यानाश कर देते हैं। जब कंपनी से हम एक फ्रिज लेते हैं उसके साथ ओवरलोड जो है वो कंप्रेसर की बॉडी के साथ फिक्स होता है, कि क्या होता है अगर किसी भी वजह से ओवरलोड ट्रिप कर जाए वो जल्दी ऑन ना हो, क्योंकि बॉडी के साथ टच है, मैं आपको दिखाता हूँ, बॉडी के साथ टच है, बॉडी की हीट बाई मेटल स्ट्रिप पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी पॉइंट को मेक नहीं कर, पॉइंट जल्दी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़्यादा टाइम लेती है, 5-10 मिनट 15 मिनट हो जाती है। तो उसके बाद जब इसमें से करंट बहता है फिर उसके बाद पॉइंट मिलते हैं, फिर जब करंट बहता है तो इजीली कंप्रेसर स्लॉट है। हम क्या करते हैं अगर किसी कंप्रेसर का ओवरलोड जल जाए तो दोबारा हम स्प्रिंग में फिक्स नहीं करते बॉडी के साथ, क्यों, उसके लिए नीचे झुकना पड़ता है, स्प्रिंग के अंदर फिक्स करें, स्प्रिंग कंप्रेसर के बॉडी के साथ लगाना पड़ता है, वो हमें तकलीफ होती है, या हमें पता नहीं होता कि अक्सर मैकेनिक को 90% तो पता नहीं होता क्या है, बस ओवरलोड है, बस ये क्यों लगाते हैं, क्या मकसद है कोई पता नहीं। तो वो क्या करते हैं इस कंप्रेसर के ये जो कॉमन टर्मिनल है ये लगा कर इस ओवरलोड को आम एयर में लटका देते हैं, क्या करते हैं आम एयर में ऐसे लगा देते हैं। अब एक ओवरलोड किसी वजह से ट्रिप हो गया है, किसी भी वजह से क्या होगा, चंद सेकंड में हवा का ठंडा झोंका इसको मिलेगा और विद इन मिनट ये ऑन हो जाएगा, 30-35 सेकंड। अब जब इतनी जल्दी ओवरलोड ऑन हो जाएगा तो कंप्रेसर नहीं चलने लगा किसी भी सूरत में, खबर नया क्यों ना लेकर आए, गैस का प्रेशर इक्वलाइज होगा, कम अज़ कम उसे 3-5 मिनट लगते हैं गैस का प्रेशर जब बराबर हो जाए, उसके बाद जब करंट इसमें बहे गुजरेगा तो कंप्रेसर आसानी से स्टार्ट ले लेगा। अब इसके अंदर इशू क्या होता है, हम मकैनिकों की वजह से गलती की वजह से ओवरलोड को आम एयर में लटका देते हैं, उसकी जो प्रॉपर जगह है उसमें नहीं लगा। फिर कंपनी ने क्या इलाज किया, कंपनी ने ये इलाज किया कि ओवरलोड की जो बाई मेटल स्ट्रिप है जो कवर है वो बंद कर दिया, ऊपर ढकना लगा दिया, ताकि अगर मकैनिक क्योंकि बहुत बड़े मास्टर हैं ना, उन्हें पता है कि अगर इन्होंने इस तरह लगा दिया तो बैरूनी टेम्परेचर असरअंदाज ना हो, अंदर ही अंदर इसकी हीट रुके और बाई मेटल स्ट्रिप जल्दी पॉइंट को ना मिला, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें, जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना कंप्रेसर आसानी से स्टार्ट। इसमें ये इशू आते हैं हम मकैनिकों के ज़्यादा गलती, अगर एक बार किसी वही कहते हैं एक बार किसी मकैनिक का किसी फ्रिज को या किसी यूनिट बात लग जाए वो अपनी जगह पे नहीं रहे, वजह क्या है, वजूहत ये हम लोग अनाड़ीपन है, जहालत है, टेक्निकल फील्ड अगर भी कोई बंदा किसने कोर्स किया हुआ है उसके पास शौर नहीं होता, डिप्लोमे की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आपके पास सेंस ही नहीं है मैंने काम कैसे करना है। जैसे ओवरलोड है, ओवरलोड का पता है ओवरलोड है, लेकिन पता नहीं कैसे कंप्रेसर कंपनी ने लगाया है, कोई वजह तो है कंपनी ने क्यों स्प्रिंग लगाया वहाँ, क्यों उसे फिक्स किया, पागल है कंपनी, वो भी ऐसे रख देती ऐसे लगा देती, उसने फिक्स इस वजह से किया है कि इसकी बाई मेटल स्ट्रिप पर हरारत असरअंदाज रहे, जो कंप्रेसर की बॉडी की हीट है वो बाई मेटल स्ट्रिप को मिलती रहे और बाई मेटल स्ट्रिप जल्दी पॉइंट को ना मिला ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। अब क्या है डेंटफॉस की कंपनी ने क्या किया हुआ, इंटरनल दिया हुआ, इसी वजह से अगर एक बार किसी वजह से इस वजह से डेंटफॉस का एक नाम है, अगर एक वजह से ओवरलोड ट्रिप करता है वो जल्दी आने नहीं होता। डेंटफॉस के इंटरनल ओवरलोड में एक और क्वालिटी भी है, अगर मोटर नॉर्मल अम्पेयर ले रही है, अम्पेयर नहीं बढ़ाया उसने, लेकिन अंदर मोटर हीट अप हो रही है, अम्पेयर नहीं बढ़े लेकिन मोटर हीट अप हो रही है, टेम्परेचर आपका बढ़ गया है 125 डिग्री फारेनहाइट से
कहीं ऊपर चला गया। तो ऐसे सूरत के अंदर ये ओवरलोड हीट पर भी काम करता है। अगर टेम्परेचर 125 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाएगा तो इसके पॉइंट ऑटोमेटिक तौर पर डिस्कनेक्ट होते हैं। ये पॉइंट उस टाइम मिलेंगे जब टेम्परेचर 125 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आएगा, वरना इसके पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसका ये फायदा है तो इंटरनल ओवरलोड का ये फायदा है। फिर आप क्या किया कंपनियों ने, वो जो ओवरलोड आम एयर में गोल डब्बी की तरह था, वो लटकता रहता था इस तरह आम एयर में, उसे उन्होंने ख़त्म करके बैट से पैक कर दिया। पैकिंग के ऊपर भी मसला मसाइल खड़े हो गए। अब उन्होंने क्या किया, ओवरलोड ही चेंज कर दिया। अब नया एक ओवरलोड आ गया पत्ता टाइप का, ज़्यादातर अब मैकेनिक को यूज हो रहा है, उसको हम आम जुबान में यूनिवर्सल ओवरलोड भी कहते हैं। अब क्या है, आम ओवरलोड को हम मोटर की ताकत के हिसाब से एचपी में लेते हैं। अगर एक कंप्रेसर 1.5 का है तो वह लोड 1.5 का लगेगा, अगर एक कंप्रेसर 1.6 का है तो वह लोड भी 1.6 का लगेगा। यानी जिस साइज का कंप्रेसर है उसी साइज का वह लोड लगेगा। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यूनिवर्सल ओवरलोड लगा दिया। यूनिवर्सल ओवरलोड में क्या है, अगर कंप्रेसर का साइज 1.4, 1.5, 1.6 है, इनके अंदर आप इस ओवरलोड को लगा सकते, प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी साइज में लगा। अब कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास कोई ओवरलोड नहीं पड़ा, साइज के हिसाब से हमने यूनिवर्सल ओवरलोड लगा रखे होते हैं, यूनिवर्सल ओवरलोड लगा मसला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगेन सवाल यहाँ पर, अब इसके वजूहात फॉल्ट क्या आते हैं, इसके अंदर दो मेजर फॉल्ट आ रहे होते हैं। एक ये फॉल्ट आ रहा होता है कि आपका जो यूनिट्स है वो, आप कंप्लेन आ गई है हमारा यूनिट जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा। आप कंप्लेन पे जाते हैं, कंप्लेन पे जाके देखते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यूनिट के शू को पकड़ना होता है, इसके प्लग को, ये प्लग है ये स्विच नहीं है। ये आप लोगों के वर्ड भी गलत होते हैं, वो स्विच लगा दे, स्विच नहीं लगा दे, शू लगा दे, स्विच ऑन कर दे, क्योंकि टेक्निकल बंदे का हम दुबान का, बल्कि मैंने हज़ारों बंदों के एक बार मेरे पास जो सड़ों पे लड़के जाते हैं उनको मैं कहता हूँ कि ये नट है ये स्क्रू है, फिर भी वो नट नट कहते हैं, नट उठा दे स्क्रू को, 10,000 बार कहने के बावजूद भी वहीं के वही है। अब फिर तो बंदा फिर वहाँ क्या करे, ये सेंस ही नहीं है, यूज ही नहीं कर रहे आप। जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं फील्ड के अंदर भी ऐसे लोग टकराएंगे, लेकिन इस चीज़ को जो एक इंजीनियर होगा वो देखेगा, यार इस बंदे ने डिप्लोमा किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, अब इसे स्क्रू और नट का भी पता नहीं है तो ये बोगस डिप्लोमा है। वो फिर वेरिफिकेशन भेज देते हैं कि क्या इसने, चलो डिप्लोमा नहीं अलग बात है, डिप्लोमा सबमिट हुआ हुआ है, इसके पास एक नॉलेज है टेक्निकली, तो ये क्यों ऐसा है, इस वजह से इन्होंने डिप्लोमा मस्त किया हुआ है कि एक स्टूडेंट्स के पास बेसिक नॉलेज तो, उसे औजारों का पता, औजार मैंने पकड़ाना कैसे है, औजार को कभी मुँह से नहीं पकड़ाया जाता, अब प्लास से प्लास से मुँह से नहीं पकड़ा सकते, किसी भी औजार को आप मुँह से नहीं पकड़ा सकते, हम क्या इस तरह दे देते हैं ये लोगों। अगला आपके इंजीनियर जो खड़ा होना सही खड़पैंच इंजीनियर, वो औजार बाद में लेगा, थप्पड़ पहले देगा कि, और सुथरा देगा कि दोबारा गलती नहीं करेगा इंसान। इसी तरीके से जब फेंटी लगे ना बंदे तो एक बार एक थप्पड़ पड़ जाए ना तो जिंदगी भर नहीं बोलता। हम लोग यहाँ कुछ नहीं कहते, यहाँ पर ये प्लग है, ये प्लग लगा दो, शू लगा दो, स्विच नहीं लगा दो, स्विच ऑन कर दो, ठीक है। और स्क्रू और नट के अंदर बहुत फ़र्क होता है, नट वो होता है जो चूड़ी के ऊपर चढ़ता है, अब उसको पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, अजीब वरीब लैंग्वेज होती है, ज़रा लैंग्वेज जहाँ भी जाए इसको आपने कंट्रोल करना होता है, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने इसके प्लग को पकड़ना है, प्लग पर मीटर मल्टीमीटर की एक लीड लगानी है, मीटर को आपने किस पर रखना है, ओम पे रखना है, रखते इसके बाद आपने क्या करना है, एक तार इस पर लगाएंगे लीड की, मीटर की एक इसके साथ, देखें सर्किट मुकम्मल है कि नहीं है, सर्किट मुकम्मल होगा तो आपको मीटर बताएगा, कंटिन्यूटी शो करेगा, तो ये सर्किट जो है वो मुकम्मल है हमारा। अगर ये आपको रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा ना कुछ और शो कर रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर इसका मतलब ये होगा कि सर्किट के अंदर लगी हुई कोई चीज़ ख़राब है, सर्किट के अंदर करंट एक रास्ते से जा रहा है जाके दूसरे रास्ते से वापस नहीं आ रहा, आपका ओवरलोड ख़राब हो सकता है, थर्मोस्टेट स्विच ख़राब हो सकता है, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, रिले की कॉइल जली हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। हम सबसे पहले मेन जो बड़े जो थंब है जो मेन महंगी चीज़ है हम उसकी तरफ जाते हैं, कंप्रेसर की तरफ सबसे पहले,
अगर इश्यू आ रहा है आपका सर्किट नामुकम्मल है, आपने प्लग पर मीटर की तारें लगाई लेकिन मीटर ने कोई मजामत शो ना की, कोई रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत के अंदर हमें क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है सर्किट अनकम्प्लीट है। या आपका ये जो प्लग है इसके अंदर से तार निकली हुई है अगर फिक्स नहीं है, या आपकी ये तार जली हुई है जो आपके प्लग में लगा रहे हैं, या सर्किट में लगी हुई डिवाइसेस में से कोई डिवाइस जल गई है। नंबर वन ओवरलोड जल गया, ज़्यादा चांसेस का होता है। नंबर दो थर्मोस्टेट स्विच खराब हो गया, जो टेम्परेचर कंट्रोलर है अंदर लगा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें लिखे होते हैं वो खराब हो गया है। नंबर तीन रे की कोयल जल गई है। नंबर चार कंप्रेसर मोटर जल गई है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। इन इशू को मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले कंप्रेसर पे जाते हैं। कंप्रेसर के अंदर आपके तीन पॉइंट्स होते हैं, नंबर वन कॉमन पॉइंट, उसके बाद रनिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसके दरमियान कंटिन्यूटी चेक करते हैं, आया कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ये कंटिन्यूटी दे रहा है, मजामतें हम इसकी चेक कर रहे हैं, मजामतें ठीक है। फिर हम ओवरलोड को चेक करते हैं, ओवरलोड क्या कहता है, अब चेक करते हैं ओवरलोड के इनपुट और आउटपुट पर टेस्टिंग लीड लगाते हैं या मीटर लगाते हैं, आपको कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलती, कोई लाइट रोशन नहीं होती, सर्किट अनकम्प्लीट रहता है। इसका मतलब यह है कि ओवरलोड चला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ओवरलोड खत्म। अब हम फील्ड वाइज क्या करते हैं, अगर किसी इंजीनियर को जवाब देना हो तो आप क्या बताएंगे, आप वो कहते हैं कि ओवरलोड जल गया तो आप क्या करेंगे, आप उसे बताएंगे कि सर उसी कैपेसिटी का दूसरा ओवरलोड ले आऊँगा और वो लगा। लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं है, फील्ड और काम में किसी इंजीनियर को इंटरव्यू देने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। फील्ड में हम पल्ले से कोई चीज़ नहीं लाते, ये चीज़ ध्यान में रखें, मकैनिक की जान चली जाए लेकिन पैसा जेब से बड़ा मुश्किल निकालते हैं मकैनिक। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, हमने ओवरलोड, कोई भी कंप्रेसर ख़राब होता है या कोई और मसला आता है या कहीं से हम रोकू करते हैं, ओवरलोड हम इकट्ठे करते जाते हैं, डब्बे में डालते जाते हैं, इस तरह रिले इकट्ठे करते जाते हैं, जो भी अच्छी चीज़ रहती है वो डब्बे में डालते जाते हैं। तो क्या होता है, अब कंप्लेन आ गई, यूनिट नहीं चल रहा, कूलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होता कि फ्रिज चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो देखता है फ्रिज के अंदर लाइट रोशन है, वो समझता है कि फ्रिज चल रहा है, हालांकि फ्रिज नहीं चल रहा होता। कंप्लेन हम गए जाके चेक किया, सर्किट अनकम्प्लीट है। पहला काम यही करते हैं, शू पैरामीटर की तारें लगा कर हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, आया सर्किट मुकम्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो हम समझ जाते हैं कोई चीज़ खराब है। अब हमने क्या किया, ओवरलोड उठाते हैं डब्बे में से, उठाया लगा दिया, लगाया आपने कंप्रेसर ऑन हुआ, ऑन होते ही बंद, कंप्रेसर ऑन होते ही बंद हो गया, कंप्रेसर ने एम्पेयर नॉर्मल लिया, यानी ओवरलोड लगाया आपने, ओवरलोड लग गया कंप्रेसर ने, उसने लिए 1.1 एम्पेयर, उसने करंट नॉर्मल लिया मगर ओवरलोड ट्रिप कर गया, क्या वजह हो सकती है? जी सर, तो ओवरलोड आपने लगाया, सर्किट मुकम्मल हुआ, कंप्रेसर अपने नॉर्मल एम्पेयर ले रहे हैं, एम्पेयर ज़्यादा नहीं ले रहा, तो ऐसे सूरत के अंदर सिस्टम बंद हो गया, वो लोग ट्रिप कर गया, आप क्यों कर गए, आप क्या बीमारी हो गई? अरे प्रोफेसर अजय, प्रोफेसर साहब साहब अरे दमे के पैसे, हाँ कोई है मेरे पास मकैनिक जो जवाब दे, कोई मकैनिक, सब प्रोफेसर हैं जी, यदि पास जवाब नहीं तो जवाब इससे दे गया, कल मैं पढ़ा चुका हूँ, ये ओवरलोड जो है इसको इसकी कैपेसिटी से कम है, इसको मैच नहीं, ओवरलोड इसकी कैपेसिटी से जब कम होगा फिर ये ओवरलोड लगेगा और उसी पर हम ट्रीट करते हैं। अक्सर यूनिट में फॉल्ट आते हैं, आपका यूनिट बेहतरीन चल रहा है, कंप्लेन है हमारे यूनिट कूलिंग नहीं कर, आपने जाकर उसे देखा, चलाया उसे, चल रहा था पहले ही, यूनिट कोई देर चलता है उसके बाद आपने सबसे पहले हम कलमीटर सर्किट में लगाते हैं, ये यूनिट चल रहा होता है, अरे यूनिट किस वजह से बंद हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, आपने उसे कलमीटर लगा दिया, उस टाइम जब आप पहुंचे आपका यूनिट बंद था, ट्रिप था, कुछ देर बाद वो चला लेकिन नॉर्मल एम्पेयर लिए 1.1, 1.2 या 1.5, 1.7 नॉर्मल एम्पेयर लिए साथ, तो फौरी तौर पर दिमाग क्लिक करता है कि इस ओवरलोड की बाई मेटल स्ट्रिप कमज़ोर है,
ओवरलोड की बाई मेटल स्ट्रिप कमजोर हो गई है। जब एक ओवरलोड नॉर्मल अम्पेयर पे सिस्टम को बंद कर रहा है, हाँ अम्पेयर शूट करें 3 से 6 गुना ज़्यादा अम्पेयर लें फिर बंद करें फिर अलग बात है। नॉर्मल अम्पेयर पर ट्रिप कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ओवरलोड की बाई मेटल स्ट्रिप कमज़ोर हो गई है कि ओवरलोड तो बातों का। तो हमारे साथ ये भी हो जाता है ओवरलोड हम नया लेकर आते हैं लगाते हैं वो ट्रबल करना शुरू कर देते हैं। सवाल आपसे क्या करता है, सवाल सुप्रिंटेंडेंट क्या करेगा या किसी अगर टेस्ट लेने जाते हैं क्या करेगा, वो कहेगा मैं एक नया ओवरलोड बाजार से लाया हूँ यूनिट के साथ लगाया, यूनिट नॉर्मल अम्पेयर लेता है लेकिन फिर भी बंद हो रहा है, ओवरलोड नया लग गया, ओवरलोड मैंने नया लगाया लेकिन यूनिट नॉर्मल अम्पेयर लेता है फिर भी बंद हो जाता है। अब इसमें एक ही जवाब है कि आपका ओवरलोड यूनिट के हिसाब से पूरा नहीं है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, उसको मैच नहीं कर सकते। आप लोग वहाँ पे जब टेस्ट आपको ये चीज़ें बताए जाते हैं 2-3 बार फिर पूछता हूँ फिर आप जीरो हो जाते हैं फिर प्रोफेसर बन जाते हैं। अब बताए यहाँ पर बार बार तो एक ही लेक्चर को 1 साल तो नहीं पढ़ा सकता, हमने आगे 2 महीने में हमने 50-60 एक प्रैक्टिकल कवर करने होते हैं और कोर्स को मुकम्मल करके फिर हमने रिवाइज़ करना होता है कोर्स को, तो ऐसी सूरत मुमकिन नहीं होता है अगर मैं एक ही टॉपिक को पकड़ के खड़ा हो जाऊँ, हमने तो बड़ी तेज़ी से आगे जाना होता है, आपकी थिंकिंग पावर होती है तो आप बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए आप आए होते हैं तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है हमारे पास और इसे कवर भी करना होता है फिर हमने प्रैक्टिकल दोबारा रिपीट भी करने होते हैं, ये उस सूरत में पॉसिबल होते हैं जब आपकी थिंकिंग पावर है। इस तरीके से क्या है कि ओवरलोड अगर कैपेसिटी में कम होगा उसी टाइम ट्रिप कर जाएगा, फिर हम एक ओवरलोड और उठाएंगे वो लगा देंगे, देखेंगे नॉर्मल अम्पेयर नहीं रहे ओवरलोड चल रहा है सही तरीके से बस ठीक है लगा दिए। फील्ड में ऐसा होता है, फील्ड में कोई कैपेसिटी कोई भी नॉट नहीं किया जाता, सत्यानाश होता है हो जाए कुछ भी हो जाए, वरना बासूरत दिगर इसकी थ्योरी ये है कि ओवरलोड को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लेना चाहिए, जितने कैपेसिटी का ओवर कंप्रेसर है उतने ही कैपेसिटी का आपका ओवरलोड लगाना चाहिए ताकि कोई इशू आ जाए तो ओवरलोड फौरी तौर पर ट्रिप कर ले। अब बात आती है इसकी चेकिंग की, आप इसे फील्ड वाइज कैसे चेक करते हैं, मीटर से या टेस्टिंग लैंप से, आप दोनों हाथों में आप इसे चेक कर सकते हैं।